आपका मंजीत एकेडमी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि SSCPO की आंसर की आ चुकी है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। SSCPO का एग्ज़ाम 9/12 से लेकर 13/12 तक और 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, और इसकी आंसर की आ चुकी है कल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SSCPO की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जो कट ऑफ हम बताएंगे वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि ऑफिशियल कट ऑफ है। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ जा सकती है 140 से लेकर 142 तक। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 133 से लेकर 135 तक। एससी की बात की जाए तो एससी की कट ऑफ जा सकती है 115 से लेकर 120 तक, और एसटी की बात की जाए तो एसटी की कट ऑफ जा सकती है 105 से लेकर 107 के बीच में। फीमेल कैंडिडेटों की बात की जाए तो जनरल फीमेल कैंडिडेटों की कट ऑफ जा सकती है 135 से लेकर 138 तक। फीमेल ओबीसी की बात की जाए तो फीमेल ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है 128 से लेकर 130 तक। एससी फीमेल की कट ऑफ जा सकती है 108 से लेकर 112 तक, और एसटी फीमेल कैंडिडेटों की कट ऑफ जा सकती है 100 से लेकर 102 के बीच में। तो फ्रेंड, जो ये कट ऑफ बताइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि ऑफिशियल कट ऑफ है SSCPO की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।